दिल्ली में फर्नीचर बहुत सस्ता मिलता था बियॉन्ड इमेजिनेशन एक डबल बेड का पलंग एक नए कपल की शादी हुई थी उन्होंने मेरे से खरीद के लेके गया तीन दिन में पलंग लेकर वापस तो आए वो पूरा बेंड हो गया था तब से मैंने कान पे खड़ा लगा लिया कि दिल्ली कभी आना नहीं और दिल्ली का कोई फर्नीचर खरीदना नहीं। और आज में जो तो पूरे दबा के बैठा था फैंगी मेरे बोला तुम क्यों डायरेक्टर बनते हो इफ यू डोंट वांट टू टेक द डों पर बनो ना आपको प्रमोशन भी चाहिए बड़ी पोस्ट भी चाहिए और निर्णय भी नहीं करना ऐसे नहीं मैंने वहाँ, आप नाराज मत होना पर वहाँ जो बोना वो आपको बताता हूँ कि एक आधे रेस्टोरेंट में जाना कला खाना सब चाय कॉफी पीना समोसा खाना और बाहर आते समय एक काउंटर में करके हंसते हुए निकल जाना ये कैसे होगा वैसे ही उसको काम कराने थे काम करने के बाद उसके पैसे नहीं देते मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है आप सही में आपका ऑफिस है कि नहीं कि आप घर में बैठकर गूगल पर लाइन मार के मारके आज मैं चार घंटे बैठा था खाना पीना छोड़ के बैठा छोड़ा उसने कहा कि पंद्रह मीटर का ये लगेगा वो साढ़े चार सौ मीटर निकला ऐसे किसे प्यार आज मैं चार घंटे बैठा था खाना पीना छोड़ के बैठा रहा उसने कहा कि पंद्रह मीटर का ये लगेगा वो साढ़े चार सौ मीटर निकला ऐसे कैसे दिख पवन मैंने कहा कि ये जो हो रहे इसको लैंडस्लाइडर की सोच दो और उसको बोलो कि बैंक गारंटी और दस साल की डिफेक्ट लाइबिलिटी की जिम्मेदारी ले लो लगे ज्यादा करे वो कोई फर्क नहीं पड़ता पर काम तो ठीक से करे सही मिला के दो मैं बहुत त्रस्त हूँ दस साल में मुझे जिस चीज के ऊपर बराबर काम नहीं कर पाया वो कारण डी पी बहुत ही नाराज हुई इस बात के और इसके कारण क्या प्रॉब्लम्स है कॉम्प्लिकेशन है ये आप समझ ही नहीं पाएंगे कितने कन्विटेशन में जा रहे हैं कितने लोग झगड़े हो रहे विवाद हो रहे अच्छा उसमें कोई रिजॉल्व करने के लिए भी तैयार नहीं आज एन एस डीसी में जो तो पूरे दबा के बैठा था फेंगे मेरे बोला तुम क्यों डायरेक्टर बनते हो इफ यू डोंट वॉन्ट टू टेक द डिसीजन आपके पास ही बोलो ना आपको प्रमोशन भी चाहिए बड़ी पोस्ट भी चाहिए और निर्णय भी नहीं करना ऐसे नहीं होगा If you, if you, अगर आपको बड़ी पूछ चाहिए तो जो आपका कॉन्शियस कहेगा ट्रांसपेरेंसी के साथ वो निर्णय करो और बहुत बार इसके कारण इस सेक्टर में बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस आए मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ये इंडिपेंडेंट इंजीनियर सब अथॉरिटी इंजीनियर सब फेल हो गया है अब तो इसको कोई किसी ने बताने की आवश्यकता नहीं और आप ज्यादा देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट दो हजार करोड़ है उसमें डीपीआर बनाने वाला अगर उसमें एक और दो परसेंट लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता पर आप इस सिस्टम को तो बताइए कैसे करना चाहेंगे बिल्कुल मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं मुझे सबसे त्रस्त अगर किसी से करने की है जिसके कारण मैं चिंतित हूं क्रोधित हूं वो ये डीपीआर बनाने वालों से आप में मुझे क्यों बुलाया मेरे समझ में नहीं याद आती है यूनियन के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा था तो एक होटल में हमारा अड्डा रहता था आधा आधा कप चाय पीते थे दिन भर तो हमारे विद्यार्थियों के रश के कारण होटल का बैंड बाजा बच गया क्योंकि होटल नहीं चलता था तो वहां फिर वो बोला कि आप लोग आते हैं गिराक तो आते नहीं अब अब आप इसमें से बाहर निकालो ऐसे हॉटल मालक ने मुझे कहा तो मैंने उसको कहा कि एक काम करते हैं हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं मैं तुमको मदद करता हूं तो इस मेरे एक मित्र मैन्युफैक्चरर था उसको मैंने कहा कि तुम अलमारिया बनाते हो स्टील की यहां अलमारिया रख दो अगर बेची जाएगी तो आपको पैसे दे देगा और बाकी कमीशन उसको मिलेगा फिर बात होने के बाद उसने कहा मैन्युफैक्चर में कि एक ही कंडीशन पर मैं उधारी पर रखूंगा अगर तुम इसमें पार्टनर बनोगे तो तो मैं जबरदस्ती पार्टनर बन गया फिर स्टील फर्नीचर का धंधा शुरू हुआ तो उस समय दिल्ली का फर्नीचर मार्केट अभी भी दिल्ली में फर्नीचर बहुत सस्ता मिलता था बियॉन्ड इमेजिनेशन तो यही मैं पहली बार दिल्ली आया और मैंने डबल बेड सिंगल बेड पलंग फोल्डिंग चेयर होलसेल रेट में या सि जो मैन्युफैक्चरर जो दुकान था उसने कहा कि टैक्स लगेगा मेरा बिल चाहिए कि नहीं चाहिए तो बिल चाहिए तो मैं उसने कहा कि फिर टैक्स देना पड़ेगा तो टैक्स दिया और मैं वो बिल लेकर लतपुर गया और जब मुझे पता चला कि वो बिल नहीं था उसके ऊपर एस्टीमेट लिखा था जब जातक उन्हें देखा कि तुमने टैक्स भरा तो ये तो है नहीं ये तो एस्टीमेट है फिर पलंग बेचने की शुरुआत एक डबल बेड का पलंग एक नए कपल की शादी हुई थी उन्होंने मेरे से खरीद के गए दिन में पलंग लेकर वापस आए वो पूरा बेंड हो गया था तो से मैंने कान पे खड़ा लगा लिया कि कभी आना नहीं और दिल्ली का कोई फर्नीचर खरीदना नहीं और आई आए वेरी वेरी वे 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 बैड इंप्रेशन अबाउट दिल्ली फ्रॉम दैट डे हमारे महाराष्ट्र में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड है ट्रांसपेरेंट है टाइम बाउंड है और ऐसे कोई बदमाशी डायरेक्ट नहीं करते ईमानदार है या समझ में नहीं आता सब लग पैर छूते हैं पैर खींचते हैं कि पैर छूते समझ में नहीं आता मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिल्ली का मिला प्रॉब्लम है आप क्यों सस्ता करते हो आपको किसने कहा था ये टेंडर सस्ते में भरोगा क्या और इसमें ये हमारे ऑफिसर भी इन्वॉल्व ये जो आप में से मैं आज ही मैंने एक बजे से लेकर चार बजे तक एक NHL, का फॉलोअप किया एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था कि जिसमें तुम्हारा नाम लिए नाम आगे गए हर जगह पर कॉम्प्लीकेशन और हमारे लोग ऐसे उछार है डिस्प्यूट बिटवीन टू पर्सन वन पर्सन कैनॉट बी ए जज तो ये जज तो भी यही बनते हैं क्योंकि ऑफिसर है ना तो ये उसको झुकाते है और वर्क कर लेते अभी आज मैंने वहां आप नाराज बताओ ना फिर वहां जो बोला वो आपको बताता हूं कि एक आदे रेस्टोरेंट में जाना कलाकन खाना सब चाय कॉफी पीना समोसा खाना बाहर आते समय सब एक करके हंसते हुए निकल जाना ये कैसे होगा से भी उसको काम करा देते है ये कौन सी थिक्स है आप में से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स ही अच्छे भाव में पूछा जा चाहता कोई डीपीआर कंसल्टेंट है कि जिसको हंड्रेड परसेंट उस प्रोजेक्ट का पेमेंट मिला है है कोई हाथ ऊपर करो ना कोई है क्या नहीं इस देश में एक लाख अड़सठ हजार लोग मरते हैं और सबसे बंदी किसका देते हैं ड्राइवर राज ड्राइविंग कर रहा करके उसका बंदी देते हैं मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सही में आपका ऑफिस है, है कि नहीं कि आप घर में बैठकर गूगल पर लाइन मार के पुंडी प्यार कारण कितने एक्सीडेंट हो रहे कितने ब्लैक स्पॉट हो रहे सब आपके दोस्त नहीं आधिकारी भी उतनी है और ये ये जो मैंने एक आई एस ऑफिसर को प्रश्न पूछा था कि तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन करना है माइप्रोसर्जरी टेंडर निकाल के लोवेस्ट के पास जाओ ना तुम स्कॉट में जाके अच्छा हॉस्पिटल में जाने की क्यों जरूरत पड़ती तुमको तब क्यों नहीं करते प्रॉब्लम यह है कि आप नीचे में आपकी एसोसिएशन है आप मत टोट करो हम थोड़े पैसे बिल्कुल में मत है कि भाई आप काम करोगे आप 25-40 परसेंट मार्जिन लेके काम करो आपको हम पैसे नहीं देते और आप क्या काम करते उनके आप पैसे नहीं देते कि आप दस साल में मेरे पास क्यों नहीं आए इतने दिन मुझे समझ में नहीं आया मुझे तो मैं समझना चाहता मुझे सिस्टम के बताओ उनको थोकना चाहता हूं क्योंकि इस प्रकार की सिस्टम तो नहीं होगी जिससे देश का कल्याण नहीं होगा हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ लोगों ने अच्छा भी काम किया है और अच्छी क्वालिटी डिजाइन भी दी है प्रॉब्लम वो आता है कि जब उनकी कॉम्पिटिशन लोवेस्ट में तो ये ऐसा नियम बना है कि इसमें आप रेटिंग करने की बात बीच में मैंने की थी कि डीपीआर कंसल्टेंट का रेटिंग करो और वही आएंगे ऐसा करो तो आप भी सुझाव दीजिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है आप मैं काफी बातों के लिए नाराज हुई उसको अन्यथा मत लीजिए पर ये इतना दस साल के अनुभव का मेरा आज भी हर प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं जहां तुम्हारी कोई ना कोई कला दिखी हमको हर प्रोजेक्ट को फंसाया और इसलिए कितने दिन तक यही करते रहना चाहिए आप बिल्कुल ज्यादा पैसे लो सिस्टम को बनाओ एक बार आप एसोसिएशन के तरफ से हमें बताओ कि व्हाट इज टू बी यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट आपको क्या चाहिए तो जो जो आपके सुझाव आएंगे वो आप मेरे तरफ ही दीजिए क्योंकि अभी सिस्टम में देकर बदलेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता और मैं तो इसके पीछे ऐसा गर्म तवा जैसा बैठा हुए दे दो तो मैं ठोक पीट करके पूरे करीबू ये काम कर रहे हैं और आई एम दॉलिस क्योंकि मैं पब्लिक में उसको मुझे जवाब देना पड़ेगा तो आप तो मैं अनुरोध करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे सिस्टम बनाओ आप शर्मा जी चिंता मत करो हम ज्यादा पैसा को देखो नो फिलोसॉफी कैन विद टॉप ट्वेंटी स्टमक जब हमको कोई ऑपरेशन करना है सीरियस तो बड़े डॉक्टर चाहिए तो बड़े डॉक्टर वो दूसरा डॉक्टर अगर पचास रुपये सौ रुपये में आता तो वो बोलता है मुझे अभी हमारे यहाँ मैं लॉयर हूँ हमारे एक वकील है हिंदुस्तान के अपना सबसे बड़े वकील थे एक तारीख पर पच्चीस लाख रुपए पच्चीस लाख रुपए कि उनको बोलो मेरे केस लो अरे फी में अब राजनीति रहे बिजनेस रहे कि कॉन्ट्रेक्टरशिप है क्वालिटी की कदर होने वाली है मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को कहता हूँ देखो भाई देना है तो लोद तो नहीं देना है तो मैं तुम्हें थोड़ा जो देगा उसका भी काम करूंगा नहीं देगा उसका भी करूंगा मैं मैं रोज एक तीन ऐसा एक नहीं जाता तुमको याद किए बिना रोज एक एक आज पूरे छह घंटे के मीटिंग में हम आप भी याद करते आगे क्या है ये प्रोजेक्ट में परफेक्ट डे नहीं था तो मेहरबानी करके इस स्थिति को सुधारने में हमारी गलतियां होगी भी बताओ इट वी कम्स टुगेदर थिंग्स टुगेदर एंड वर्स टुगेदर एंड फाइंड आउट द गुड ऑप्शन हमारे यहाँ एक पुल बना रहा था एन एच आईने अब पूरा पुल पूर अगर एक पिलर पर बनाते हैं ट्रैफिक एरिया दोनों बाजू में बसती है तो डिजाइन में उसने चार चार खंबे दे के पूरा रोड का सत्यानाश कर दिया क्यों ऐसे डिजाइन बनाते हो क्यों ब्लैक स्पॉट को एक आपके एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं जिसमें ब्लैक स्पॉट नहीं है एक लाख अड़सठ हजार लोग मर रहे पांच लाख एक्सीडेंट हो रहे हाथ पैर लोगों के टूट रहे इसका कारण नाइनटी परसेंट इंजीनियर जवाबदार है कितने लोग मरेंगे और जब आपको अगर ये उस समय मुझे मालूम है इसमें आपकी गलती नहीं है यूपीए सरकार में एक जन थे वो कहते थे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी करनी है ये अंडर निकाल दो ये ब्रिज निकाल दो ये निकाल दो वो निकाल दो और उसके कारण फिर कॉस्ट कम करने के लिए रोड बना और फिर प्रॉब्लम आए मैं जब मंत्री बनकर जब आया तो एनएचआई के स्टोल प्रोजेक्ट की संख्या 406 थी और कॉस्ट इन्वॉल्व तीन लाख पचासी हजार करोड़ कारण क्या थे लैंड एक्विशन पूरा नहीं हुआ कारण क्या थे रेलवे का क्लियर नहीं मिला कारण क्या थे फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियर नहीं मिला और कहीं जगह पर ये जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर है मैंने बोला इसका नाम बदल दो इसका नाम लिखो डिपेंडेंट इंजीनियर जो लेने के ऑफिसर के तरफ इशारे पर अपने ओपिनियन देता है वो नाम रखो इसका आप सिस्टम को पूरा खत्म हुए हो और बिल्कुल आपको मैं रिक्वेस्ट करता कर रहा हूं पैसे में कोई कमी नहीं आप और इसलिए आपको पहली बात ये निकाल डालो कि आप ज्यादा पैसे चार्ज करोगे तो कोई प्रॉब्लम पैसे सिस्टम तो बताओ सरकार में या गधे घोड़े सब बराबर है अच्छे भी लोग काम करते वो भी बराबर है सब एक ही और सबको एक ही मार्ग हमारे सिस्टम में भी कमियां हैं मैं नहीं मानता कि आपको केवल दोष दे रहा हूं और बाद में गलतियां होने के बाद उसको स्वीकारने की भी तैयारी नहीं होती सरकार में क्योंकि सरकारी अफसर है ना सबसे शान है बाकी लोगों को समझता नहीं कुछ और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस सिस्टम के कारण बहुत नुकसान हो रहा है